बोल रहे हैं कि कोई भी मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनी मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मूविंग चार्ज के साथ साथ और भी जो सोर्सेस हैं करंट कैरिंग वायर मूविंग चार्ज से बना हुआ, अर्थ और मैग्नेट, अर्थ और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, लेकिन ये चैप्टर 5 में देखेंगे और ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा था, ये वेरीफाइड हुआ था, और लास्ट में फिर हम लोगों ने एक यूनिट देखा और बार सवाल लगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ओनली, करंट कैरिंग एलिमेंट कितना होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट को क्या बोलते हो, IIDL, I means करंट, उस एलिमेंट में जिसका लेंथ DL है करंट कितना उसमें कैरी हो रहा है भाई, I, तो IIDL एलिमेंट बोला, वो IIDL एलिमेंट अपने लोकेशन से जहाँ पे वो लोकेटेड है, अपने लोकेशन से R पोजीशन वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा DB, वही गिवन होगा बर्ड सर्वर लॉ से, क्या होता है बर्ड सर्वर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, DB इक्वल टू और इसका यूज करके हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला ऑब्टेन किया, तो फॉर्मूला क्या ऑब्टेन किया भाई, तो नंबर वन बात ये कि ऑन द लाइन ऑफ करंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग वायर, कहां पे फील्ड प्रोड्यूस जीरो है, ऑन द लाइन ऑफ करंट के लाइन पे, चाहे वो लेफ्टवर्ड हो या राइटवर्ड हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ऑन द लाइन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी जीरो, कहां प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस कहां होगा भाई, लाइन ऑफ करंट पे नहीं प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस कहां होगा, अराउंड एनी करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में होगा, बट ऑन द लाइन नहीं होगा, बाकी जगह तो होगा ही, बाकी जगह कितना होगा, तो बाहर से मतलब सिग्नल होगा, हर पॉइंट पे हर एलिमेंट अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा, नेट फील्ड चाहिए तो इन सारे डीबी डीबी को वेक्टोरियल ऐड करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, तो इसी का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, करंट कैरिंग आर्क का मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है, इसमें हम लोगों ने करंट कैरिंग आर्क में फिर एलिमेंट लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट लिया DL लेंथ का, उसका देखा हम लोगों ने कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू बर्ड्स सवर्ट लॉ निकाला, IDL sin थीटा / r स्क्वायर, IDL sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा तो sin 90 डिग्री है यहां पे, तो वैल्यू हो गया 1, याद है, और इसे सब देखने में सही रहेगा, और इसका जब यूज किया हम लोगों ने तो सारे डीबी एक ही डायरेक्शन में थे, याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो रूल हैं, डायरेक्शन निकालने के, एक राइट हैंड स्क्रू रूल, एक और है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से देखा दोनों का पहले टेंटल मैचिंग कराया, स्क्रू लगाया, डीएल से आर की तरफ घुमाया स्मॉलर एंगल के थ्रू, स्क्रू ऐसे घुमाने से स्क्रू बंद होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में जाएगा क्रॉस होगा, या तो फिर राइट हैंड थंब रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये डीएल है या आर है, तो इससे बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर थंब रख दो, ये देख रहे हो कि इधर डीएल है, इधर डीएल है, इधर आर है, तो आर क्रॉस डीएल ये होगा, डीएल क्रॉस आर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में डीएल ये आर ये, तो डीएल से आर की तरफ राइट हैंड का थंब निकालो, कर्ड फिंगर ऐसे घुमाओ, और क्योंकि डीएल क्रॉस आर निकालने हैं तो डीएल और आर से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर रख दो अपना थंब, और देखो कि कर्ड फिंगर किधर जा रहा है, आर से डीएल जा रहा है, इसका मतलब डीएल क्रॉस आर का ये आर क्रॉस डीएल का ये डायरेक्शन है, इधर करोगे तब ये डीएल से आर की तरफ जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर का ये डायरेक्शन, मीन्स एक बार थंब रखने से पता लग जाएगा, क्योंकि कर्ड फिंगर हमारा ऐसे ही चले गई, ये ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे ही चलता है, डीएल से आर की तरफ जा रहा है, ये आर है तुम्हारा इस कंडीशन में, यहाँ डीएल है, तो ये आर क्रॉस डीएल होता तो ये होता, डीएल क्रॉस आर होना है तो अमोली डायरेक्शन, थंब रखने से पता लगेगा ना, ये अगर आर क्रॉस डीएल निकालना होता तो ये आर क्रॉस डीएल यही हो जाता, लेकिन उसका अपोजिट निकालना है, डीएल क्रॉस आर निकालना है, इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर हो गया डीएल क्रॉस आर, थंब को हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, डीएल क्रॉस आर हो गया ये, और ये आर क्रॉस डीएल, तो ऐसे भी राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं, इसके हिसाब से यहाँ देखो कि ये डीएल है ये आर है, तो ये डीएल से आर की तरफ थंब को परपेंडिकुलर रखते हुए, डीएल से आर की तरफ, तो ये है डायरेक्शन, ऐसे रखोगे तो ये डीएल ये आर है ये डीएल, आर क्रॉस डीएल इधर होगा तो डीएल क्रॉस आर अपोजिट क्रॉस में हो गया, सारे एलिमेंट क्रॉस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए तो वही हाल है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये है डीएल ये है आर, तो डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे यही वाला मिलेगा,
सबके लिए जो रिलेटेड एक्शन है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, क्या किया और मैग्नीट्यूड ऐड करे तो हम लोग का इस तरह से मिल गया आर अल्फा टोटल आर्क लेंथ। डीएल डीएल इंटीग्रेट किया तो क्या मिला टोटल आर्क लेंथ, क्या मिला टोटल आर्क, क्या मिला टोटल टोटल आर्क लेंथ का वैल्यू रख दिया आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा क्योंकि अल्फा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर इंटू अल्फा लिख दिया, एक आर कैंसिल हो गया बाकी बल बच गया अल्फा, और इस तरह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस ऑफ द आर्क और अल्फा रेडियन में, जिसका यूज करके ये क्वेश्चन देखा था। आगे क्वेश्चन देखने हैं लेकिन इसमें करंट कैरिंग आर्क के साथ साथ एक स्ट्रेट वायर भी है और स्ट्रेट वायर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अभी नहीं देखे हैं इसलिए वो भी देखने पड़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर नेक्स्ट पेज पे है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे, तो इसका डेरिवेशन भी होता है, पहले तो फॉर्मूला ही समझें इसका। ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये है करंट कैरिंग वायर जो कि अपवर्ड में मान लो करंट कैरी हो रहा है, इस पॉइंट पे मान लो निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इस P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि इस P से लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किस पे परपेंडिकुलर लाइन ऑफ करंट पे, मींस जिस लाइन पे करंट है उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मान लो d और ये है ये पॉइंट। इसके बाद क्या करने होंगे तो इसके बाद इस वायर के करंट कैरिंग वायर का दोनों एंड को P पॉइंट से मिलाओ, इस वाले एंड का और इस वाले एंड को दोनों को मिला दिया, ये जो परपेंडिकुलर डाला है यही है रेफरेंस लाइन, क्या ये रेफरेंस लाइन। आप सोचेंगे किस चीज के लिए रेफरेंस भाई, तो ये रेफरेंस है एंगल मेजर करने के लिए, इसी लाइन से हम लोगों को एंगल मेजर करते हैं, जो परपेंडिकुलर डालेंगे वही रेफरेंस लाइन है। इधर वाले एंड का एंगुलर पोजिशन ये है मान लो फाइव टू, इधर वाले एंड का एंगुलर पोजिशन है फाइव वन, दोनों मेजर करेंगे रेफरेंस लाइन से, इधर वाले एंड के लिए इधर ही पॉजिटिव एंगल लेंगे, इधर वाले एंड के लिए इधर ही पॉजिटिव एंगल लेंगे, एंगल मेजर करना है परपेंडिकुलर से, जो रेफरेंस लाइन है उसी से एंगल मेजर करना है। दोनों एंड का एंगुलर पोजीशन देख लिया, इधर वाले एंड का फाइव वन है एंगुलर पोजीशन इस रेफरेंस लाइन से, इधर वाले का फाइव टू है, क्या है फाइव टू एंगुलर पोजीशन ऑफ अपर एंड उस एंड का, द लोअर एंड का दोनों। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो कि हर एलिमेंट का डीबी 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 इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन डेरिवेशन अलग पार्ट है, लंबा डेरिवेशन है। फिलहाल बीपी जो आएगा वो फॉर्मूला याद रखें और उसको मल्टीप्लाई करना है, यूज करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में मल्टीप्लाई होगा करंट कैरिंग वायर में करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और इधर होगा साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। और अगर इसका डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए तो डीएल क्रॉस आर है, डीएल है इधर आर है, मान लो किस एलिमेंट का चाहते हो निकालना तो ये डीएल है ये आर है, डीएल क्रॉस आर करेंगे इसको लगाएंगे डीएल से आर की तरफ घुमाएंगे क्रॉस में होगा तो क्रॉस में होगा, फिर ये वाला हो जाएगा क्रॉस में, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये है ये करंट कैरिंग आई डीएल, इस तरह से हर का अपना अपना डीबी होगा और ये इंटीग्रेट करके आया है, इट मींस ये डीबी डीबी को इंटीग्रेट किए हैं तब जाकर के नेट फील्ड हमें मिला है, ठीक है लिख लो इसको, इसका भी यूज करना है रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल मेजर करने के लिए ये रेफरेंस लाइन।
कई बच्चे फंस जाते हैं और हाईलाइट ना किया जाए तो वैसे ही रह जाता है, जब सिचुएशन आएगा तो फंस जाएंगे। सबसे पहली बात कि इसी परपेंडिकुलर से हमें एंगल मेजर करने हैं, इधर वाले एंड का एंगुलर पोजीशन इधर ही होने हैं पॉजिटिव, इधर वाले एंड के एंगुलर पोजीशन इधर ही होने हैं पॉजिटिव। अगर इधर वाले एंड के लिए उधर एंगल मेजर करना पड़ा तो नेगेटिव हो जाएगा, उधर वाले एंड के लिए इधर एंगल मेजर करना पड़ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में नहीं आया, समझ में केस दिखाता हूं। मान लो वायर इस तरह से, देखो वायर जो यहाँ पे आके फिनिश हो गया, इधर डॉट 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 है, मीन्स इनफाइनाइट वायर, उधर से इनफाइनाइट है और इधर से मान लो इसी लेंथ तक है बस, तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी इनफाइनाइट वायर। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक तरफ से इनफिनिटी एक तरफ से फिक्स्ड है, और इसी फिक्स्ड से अब यहाँ पे निकालना है डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कंडीशन में बना यही रेफरेंस लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे यही रेफरेंस लाइन बना, इधर वाले एंड के लिए एंगुलर पोजीशन ये, अगर यहाँ तक होता तो ये एंगल मान लो फाइव वन या फाइव टू जो भी समझो, तो ये यहाँ पे एंड फिनिश नहीं हो गया जो यहाँ पे आकर के एंगुलर पोजीशन देख लेते हैं, और आगे है तो और इधर देखोगे एंगुलर पोजीशन, और आगे है इनफाइनाइट वायर तो ये और ऐसे देखोगे बिल्कुल इधर, और आगे है तो क्या देखोगे बहुत ज़्यादा आगे, तो क्या होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये इनफाइनाइट वायर है उधर से तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे हमें देखना पड़ेगा, और इधर वाले एंड के लिए इधर ही एंगुलर पोजीशन देखना है, बताओ फाइव वन का वैल्यू कितना, तो इधर हमारा यहाँ से अगर वायर शुरू होता तो ये एंगल देखते 30 डिग्री, अगर यहाँ से शुरू होता तो इधर वाले के लिए 10 डिग्री देखते, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है इधर कितना एंगल देखने पड़ रहा है 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पर फाइव वन का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू कितना बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, सब बोला करे भाई, और एक तरफ से लिखेंगे साइन फाई वन, फाई वन कितना 0, और उधर कितना साइन नेगेटिव, ऐसा लिखने पड़ेंगे दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये हो जाए क्योंकि 0 प्लस 1 ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ से वायर इनफाइनाइट है, मान लो ऐसे कर दिया स्पेस कम ले, इधर भी डॉटेड इधर भी डॉटेड, निकालना है यहाँ पे पी पॉइंट है, फिर ये परपेंडिकुलर डालोगे ये बन गया रेफरेंस लाइन, क्या बन गया रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन बन गया, और अब इससे एंगल इधर वाले एंड पे ये बोला कि इधर ही एंगल पोजीशन लेना है, तो इधर इनफाइनाइट है तो कितना एंगल लोगे बताओ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, एक है एंगल 90 डिग्री, एक इधर से भी एंगल क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फाई टू भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वायर, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ये डी है तो डी लिखेंगे आर तो आर लिखेंगे जो भी है डी, और साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 प्लस 1 2 हो गया, मींस क्या मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर होगा, ये समझ गए बाद में लिखेंगे। एक और सिचुएशन ये हो सकता है, इधर से इनफाइनाइट है, इधर यहीं पे फिक्स हो गया, एक ये स्क्वायर है समझो, ए डिस्टेंस इधर से भी ए डिस्टेंस, ये पॉइंट एम है ये पॉइंट एन है, हमें चाहिए वी एम पी बी एम और बी एन चाहिए, क्या लिखेंगे करंट का ऐसे है मान लो डायरेक्शन, इनफाइनाइट वायर है दे स्क्वायर है, एम पॉइंट पे चाहिए और एन पॉइंट पे चाहिए, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, क्या है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक तरफ से इनफाइनाइट है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अब यहाँ ध्यान दो एम पॉइंट पे निकालना है, तो एम पॉइंट पे निकालना तो इजी है, इधर वाले एंड से ये एंड पे रेफरेंस लाइन डालोगे यही बन जाएगा, इधर का एंड 0 डिग्री इधर का एंड 90 डिग्री ऑलमोस्ट, इसलिए एम पॉइंट पे निकालना तो आसान है, सेमी इनफाइनाइट वायर इधर हो गया म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और
साइन एक तरफ से 90 डिग्री दूसरी तरफ से 0 डिग्री, ये मिल जाएगा। इधर से 90 डिग्री है ऑलमोस्ट, इधर से 0 है। सिमिलरली इसका निकालेंगे म्यू नॉट आई, म्यू नॉट ऑन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय, तो भाई ये एन पॉइंट है, तो लाइन ऑफ करंट पे परपेंडिकुलर डालने हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर रहे कि लाइन ऑफ करंट पे डालने होते हैं, करंट पे नहीं। ये नहीं कि हम करंट पे डालने चक्कर में रहे तो कहीं तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, हमें तो लाइन ऑफ करंट पे करना है। करंट चाहे इतना छोटा सा ही क्यों ना हो, इसके लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, उसके लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, रेफरेंस लाइन हमारा ये बन गया। अब इस रेफरेंस लाइन से हम लोग का एंगल मेजर करना है। मैंने बताया कि इधर वाले एंड के लिए इधर ही एंगल मेजर करना है, उधर वाले एंड के लिए उधर ही मेजर करना है। तो इधर वाले एंड के लिए इधर मेजर करोगे कितना एंगल, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। मान लो 51 है तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, ठीक है। 52 उधर का, तो उधर का एंगल यहां तक होता वायर, तो ये ले लेते हैं कुछ भी 45 डिग्री, यहां तक होता इधर का ले लेते 30 डिग्री, क्योंकि इधर ही मेजर करना है। इस वायर का उधर वाले एंड के लिए इस रेफरेंस लाइन से उधर ही एंगल पॉजिटिव मेजर करने हैं। यहां तक होता तो ये एंगल लेते, यहां तक होता तो इधर का एंगल 10 डिग्री लेते, यहीं से शुरू होता है तो इधर का एंगल 0 लेते, यहां से शुरू होता तो इधर का एंगल -30 लेते, और यहां शुरू हो रहा है तो इधर का एंगल -45 लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये 45 पे है, इससे 45 पे उधर एंगल। अगर तुमने 45 लिख दिया तो यहां तक का काउंट हो जाएगा, वायर उधर से आया और यहां तक आया, तो पूरा काउंट हो जाएगा 45 लेवल। तब 30 लोगे तो यहां तक आएगा, 0 लोगे तो यहां तक का काउंट होगा, और -30 लोगे तो यहां तक का काउंट होगा इधर वाला है, और -45 लोगे तो यहां का काउंट होगा, -60 लोगे तो यहां से 60 इधर चले जाएगा, क्योंकि उधर का एंगल पॉजिटिव है, इधर का एंगल नेगेटिव। -60 लेंगे तो ये यहां तक चला जाएगा, ऐसे इधर का काउंट हो जाएगा। इधर वाला एंड का तो 90 डिग्री लिख ही रखा है, उधर वाले एंड के लिए उधर ही एंगल मेजर कर रहे हैं। अगर उधर वायर हुआ तब तो उधर मेजर कर पाओगे, अगर इधर है तो उस कंडीशन में इधर मेजर करने पड़ रहे हैं तो वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, एक तरफ से साइन 90 डिग्री, दूसरी तरफ से साइन -45 डिग्री, ये ध्यान रखने पड़ेंगे। और ये वैल्यू आ जाएगा जितना आना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ए, वो डालेंगे और ये हो गया 1 - 1/2। सर मिल जाएगा, डॉट में है कि क्रॉस में है, तो वो डीएल क्रॉस आर से देख सकते हो, ये डीएल है ये आर है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालेंगे, डीएल है इधर आर है, डीएल क्रॉस आर स्कूल लगाओगे तो डीएल से आर की तरफ घुमा देगा, डीएल क्रॉस आर ऐसे, या थंब से लगाओगे तो ये डीएल है इधर आर है, थंब को परपेंडिकुलर लगाया डीएल क्रॉस आर ऐसे होगा, क्रॉस डायरेक्शन में होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा ऐसे करंट में वायर का जो फील्ड होता है वैसे होता है, ऊपर से निकलता है नीचे से क्रॉस में जाता है, जैसे डॉट में आता है इससे चलता है। लिखो ऊपर का तो लिख ही रखा है फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो अप्लाई करने हैं, केस 1 failure due to semi-infinite wire,
एंड के लिए इधर ही एंगल मेजर करेंगे, इधर वाले एंड के लिए उधर एंगल मेजर करेंगे। उधर मेजर किया तो पॉजिटिव, इधर वाले एंड के लिए इधर मेजर करना पड़ गया तो जितना इधर मेजर करना माइनस 60, मतलब समझ जाएंगे कि उधर नहीं जाना पड़ा, इधर जाना पड़ा 60। यही ध्यान रखना है कि दो एंड होता है वायर का परपेंडिकुलर, जो भी डालोगे इधर वाला एक एंड होगा एक इधर होगा, चाहे वो हमारा परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन के इधर हो चाहे इधर हो, उससे मतलब नहीं। इधर वाले एंड के लिए रेफरेंस से इधर ही मेजर करते हैं, इधर हुआ मेजर तो पॉजिटिव, इधर करना पड़ा तो निगेटिव। कितने लोग समझे हैं निगेटिव एंगल? हाँ समझ गया। इस बेसिस पे वापस आ जाए एक पेज पहले, जो क्वेश्चन चल रहा था एक पेज पहले देखो। थ्री डायमेंशनल सोचने पड़ेंगे, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। देख रहे हो कि ये जो सेमी सर्कुलर वायर दिखा रखा है, यहाँ से ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया और ऐसे चला गया, ये करंट निकालना है ओरिजिन पे। तो ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन में सेमी सर्कल है, ये कौन सा प्लेन है बताओ? वाइजर प्लेन है। इस वाइजर प्लेन में सेमी सर्कुलर है और एक्स एक्सिस के पैरेलल में इधर हमारा ये इनफाइनाइट डॉटेड हो गया, तो इसका मतलब इनफाइनाइट वायर है। यहाँ ओरिजिन पे निकालते हैं, तो ये जो वायर है वो ऐसे, तो इसका जो फील्ड होगा वो किधर होगा वो निकालना है। तो तुम डीएल क्रॉस आर से निकाल सकते हो, ध्यान देना। एक शॉर्टकट और बता दो तुम्हें इनके लिए, ये अगर करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट वायर तो कर्व्ड फिंगर इसका फील्ड। हम अगर करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हो, हम अगर करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ खोया होगा भाई, अभी तक कॉपी ही देखा है इधर से उधर, तो ध्यान रख ले भाई समझाने के टाइम में, कोई फायदा नहीं है ऐसे करने का, मजाक करोगे मजाक बन जाओगे आगे की लाइफ में। ये थंब अगर करंट के डायरेक्शन दिखा रहा हो तो इसके सराउंडिंग में ये कर्व्ड फिंगर जो दिखा रहा है ये है इसका फील्ड प्रोड्यूस्ड। If thumb is current direction, curved finger will indicate the direction of magnetic field produced by this wire. और अगर ये हमारा curved finger बताए current का direction, means current carrying loop भी होता है ऐसा, जैसे ये है loop बनता, current carrying loop हो ऐसे, current इसमें ऐसे carry कर रहा हो ring हो, तो current का direction अगर curved finger बता रहा हो तो ये बताएगा center पर का field। दोनों चीज हैं, अगर ये current तो ये फील्ड, स्ट्रेट करंट तो सर्कुलर फील्ड, और सर्कुलर करंट कैरिंग अगर लूप हो, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है हमारा ऐसे, तो ये है करंट का डायरेक्शन, तो ये है फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे फील्ड इज एक्शन। ये करंट तो ये फील्ड, और ये करंट तो ये फील्ड एट द सेंटर, तो उस हिसाब से भी शॉर्टकट मार देंगे इसमें। तो ये वाला अगर हमारा करंट है तो ये है फील्ड, ये अगर करंट है तो ये है फील्ड, और डीएल क्रॉस आर तो है, डीएल क्रॉस आर तो है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऐसे है भाई। रवि कुमार आगे आ जाएगा, पकड़ना पड़ेगा इसको, पकड़िए बस इसको पकड़ के रखो और मैं घुमाऊंगा इधर से। ये वाला देखो सर्कुलर जो रिंग है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग वो है तुम्हारा जेड एक्सिस से शुरू हुआ ऐसे आया, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, करंट कैरिंग रिंग ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 आया और उसके बाद ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, यही है। तो ये ऐसे चल रहा है भाई। अब इसका डीएल क्रॉस आर करेंगे, तीनों पकड़ के रखेगा, तीनों पकड़ो जल्दी पकड़ने के लिए, दो हाथों में मिला है, ये हो गया। मान लो सेंटर पे निकालना है, ऐसे है करंट कैरिंग रिंग सेमी सर्कुलर रिंग, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डीएल है और आर ये है, सेंटर पे निकालना है तो डीएल है ऐसे, ऐसे है रिंग, तो ये डीएल एक्शन हुआ, ये आर हुआ। अब डीएल क्रॉस आर करेंगे, डीएल क्रॉस आर इधर से करें तो डीएल ये है, आर इधर ले जाएंगे, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो स्कूल खुलेगा इस डायरेक्शन में, मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस। या फिर अगर थंब से दिखाना, इससे दिखाना चाहते हैं ये है करंट का डायरेक्शन तो ये है फील्ड एट द सेंटर,
ये है करंट का डायरेक्शन, ये है फील्ड डायरेक्शन, तो ऐसा मतलब। दूसरा ये भी उपाय है कि इस ये अगर स्ट्रेट वायर की तरह समझो, स्ट्रेट वायर की तरह, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, ये स्ट्रेट की तरह है, अभी तो यहाँ के लिए तो स्ट्रेट पार्ट ही है, इसका जो छोटा सा फील्ड देखना चाहिए तो ये है हम करंट का डायरेक्शन, तो ये है फील्ड सेंटर के इस डायरेक्शन, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो डीएल क्रॉस आर देखा, स्क्रू खुला, यहाँ पे आएंगे तो डीएल ऐसे बन जाएगा, डीएल क्रॉस आर ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएंगे तो डीएल ऐसे है क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर ऐसे चल रहा है, यहाँ डीएल ये है, आर ये है, इधर दिखाना है बोर्ड पे, देखो भाई ये ऐसे चल रहा है तो यहाँ डीएल ऐसे हुआ, ध्यान दे ले, ऐसे है डीएल, ऐसे है हमारा रिंग, तो ये है डीएल टॉप वाला एलिमेंट के लिए, ये डीएल है, ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर बनेंगे तो इसी रिएक्शन में, यहाँ आएंगे तो डीएल ऐसे बना, आर ये बना, तो डीएल क्रॉस आर इसी रिएक्शन में, यहाँ आए तो डीएल ये बना, आर ये बना, डीएल क्रॉस आर इसी रिएक्शन में, या तो फिर हम लोग ऐसे समझ लें कि ये हमारा करंट का रिएक्शन है, तो ये हम लोग तो किधर भाई निगेटिव आई कैप की तरह वैल्यू जो भी होगा इसका फील्ड एट द सेंटर वो लिख लेंगे, और डायरेक्शन किधर निगेटिव आई कैप की तरफ, और ये जो वायर या सेमी सर्कुलर के बारे में बाद ये वायर जो स्ट्रेट हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका निकालेंगे, तो ये है इसके एंड पे ही और इधर से इनफाइनाइट है, तो ये क्या बन गया सेमी इनफाइनाइट वायर, यहाँ निकालना है तो इसका डायरेक्शन जो होगा फील्ड का वो ऐसे किधर आई जे के में बोलो, इसका फील्ड यहाँ पे ओरिजिन पे किधर होगा, ये हम करंट डायरेक्शन, तो ये है फील्ड किधर माइनस साइड है, और अगर बस वाटर से देखें तो ये डीएल है और ये आर है, स्ट्रेट डीएल यहाँ का करंट एलिमेंट का इधर ही होगा और ये डीएल क्रॉस आर करेंगे इस डायरेक्शन में, आगे जाओगे तो डीएल ये बन गया आर ये बन जाएगा, फिर डीएल क्रॉस आर करोगे इसी डायरेक्शन में निगेटिव जे क्या है, तो इसलिए स्ट्रेट वाले का निगेटिव जे क्या है। अब देखो इधर का हमने माइंड वही घूम जाएगा, ऐसे अपने आप घूम जाएगा, इधर चलाएगा, इसलिए इसका जो फील्ड होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू आर। तो बताओ यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट कर दिया, वन पार्ट और टू नंबर पार्ट, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन विल बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, बी वन तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो क्या आई और एंगल कितना लिखें भाई, करंट कैरिंग आर्क के लिए तो फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और एंगल रेडियन है कितना, अरे एंगल रेडियन में कितना पता है ना अल्फा, तो अल्फा क्या मिलेगा यार, कितना सेंटर पे बनाना है एंगल पाई आर है, तो पाई लिखना पड़ेगा, पूरा होता सर्कल तो 2 पाई लिखते हैं, पाई है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्शन किधर माइनस आई का, ये लिखनी है प्लस, अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर है भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर तो ये रेफरेंस लाइन है, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर है, और एंगल लिखेंगे तो एक तरफ से साइन 90 डिग्री दूसरी तरफ से साइन 0 डिग्री, और डायरेक्शन किधर माइनस जे कैप, इसलिए ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, 4 आर माइनस आई कैप और प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये साइन 90 प्लस 0 वही रह जाएगा म्यू नॉट आर, और ये माइनस जे कैप, यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, दोनों का लिखने पड़ेंगे, दोनों का फील्ड लिख दिया हम लोगों ने, आर्क वाले के लिए उधर हो रहा है और इसके लिए डाउनवर्ड में हो रहा है, आर्क का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया इस डायरेक्शन में और वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, थ्री डायमेंशनल तो सोचना पड़ेगा,
देखिए ये ऐसे जैसे डॉट 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 है, यहाँ देखना हो तो एक तरफ से 90 डिग्री, एक तरफ से 0 डिग्री, फाइव वन है अगर 90 डिग्री रेफरेंस लाइन ये बन जाएगा और इधर हो जाएगा फाइव फाइव टू हो जाएगा 0 डिग्री। बहुत बार देखिए ये है 10 नंबर पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट बी एट पॉइंट पी एस वन इन द फिगर पी पॉइंट पे निकालो निकालो ये तो सिंपल क्वेश्चन है पी पॉइंट में निकाल रहे हैं तो वन नंबर पार्ट टू नंबर पार्ट थ्री नंबर पार्ट करो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री ऐसे ही दिखाने के लिए। वैसे तो तुम्हें पता है कि बी वन जीरो बी थ्री जीरो सिर्फ बी टू आएगा बी नॉट अपॉन फोर पाई और आई अपॉन रेडियस रेडियस कितना और एंगल कितना पाई लेंगे किस डायरेक्शन में होगा बताओ करंट तो ऐसे चल रहा है बताओ भाई किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर शशांक बोलो किस डायरेक्शन में इसका फील्ड किस डायरेक्शन में होगा पी और पी पॉइंट पे ऐसे पकड़ लो भाई करंट ये है तो यह है फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में या तो डीएल क्रॉस आर करोगे डीएल क्रॉस आर भी कर सकते हो ये डीएल है ये आर है यहाँ का एलिमेंट का डीएल ये होगा डीएल क्रॉस आर करेंगे ऐसे स्क्रू बंद होगा यहाँ होगे तो डीएल क्रॉस आर ऐसे स्क्रू बंद होगा यहाँ होगे तब भी डीएल क्रॉस आर करोगे स्क्रू बंद ही होगा इसलिए पूरे में कोई होना और थर्ड फिंगर के अलाउ करें तो थंब है सेंटर पे फील्ड इस तरह से मिल जाएगा और किस डायरेक्शन में है तो भाई क्रॉस डायरेक्शन में है और प्लस इधर का तो जीरो ही है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इतना ही हो गया। इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एट पॉइंट पी निकालना है अगेन देख रहे हो करंट आ रहा है जेड एक्सिस के पैरेलल एक्स वाई प्लेन में सेमी सर्कुलेट किया फिर जेड एक्सिस से पैरेलल निकल गया वायर आया स्ट्रेट में फिर स्ट्रेट में चला गया बीच में सेमी सर्कुलेट किया अब निकालो ओरिजिन पे कितना होगा फिर से तीन पार्ट करो इसके करो भाई खाली नोट मत छापो वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर करो और फिर से निकालो सब लोग अपना अपना सोच लो भाई डायरेक्शन भी आई जे के में लिखना है आई जे के में चाहिए तीनों पार्ट का लिखो जल्दी फर्स्ट वाले पार्ट का किधर आएगा फर्स्ट वाले पार्ट का किधर आएगा जी आई जे के किधर फर्स्ट वाले का क्या आएगा माइनस ऑफ जे का डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड में आएगा होगा कि नहीं ये है थ्री एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल आया इधर से आया देखो इधर से आ रहा है इसका देखना है करंट तो ऐसे है भाई देखो भाई रवि कुमार ऐसे है जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ये वायर और इसका फील्ड एट द सेंटर निकालना है ये है करंट कैरिंग वायर तो इसका फील्ड एट द सेंटर हम बता रहे हैं करंट डायरेक्शन तो ये बता रहा है फील्ड डायरेक्शन फील्ड डायरेक्शन किधर है वाई एक्सिस के अपोजिट क्योंकि ये करंट डायरेक्शन है तो कर्व फिंगर बताता है फील्ड डायरेक्शन तो करंट का ये डायरेक्शन है तो फील्ड ये है इस डायरेक्शन में या तो डीएल क्रॉस आर से देखोगे डीएल है इधर आर है इधर डीएल क्रॉस आर कर लेंगे ये डीएल हो गया इधर और ये आर हो गया स्क्रू लगाओगे स्क्रू लगाओगे तो डीएल से आर इधर घुमाओगे स्क्रू बंद होगा इधर जाएगा क्या लाना पड़ेगा ये इधर आर है और ये डीएल है जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा था वायर जेड एक्सिस पैरेलल आ रहा है ये ब्राउन कलर वाला और ये डीएल हो गया ये वाला आर हो गया अब
डीएल को साथ करो, वहीं से स्क्रू लगाओ, डीएल से आगे तरफ घुमाओ, स्क्रू को रखोगे वर्टिकल, वर्टिकली स्क्रू को रखा हम लोगों ने ऐसे करके, और डीएल से आगे तरफ घुमाना है, स्क्रू रखा ऐसे और डीएल की तरफ इंडिकेटर रखा है, इसको आगे तरफ घुमाएंगे, डीएल को आगे की तरफ घुमाने से क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस उधर है, इधर डीएल है ये, और ये आगे तरफ घुमाएंगे डीएल को आगे करेंगे तो क्या होगा, स्क्रू बंद होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, इट मींस नेगेटिव, ये क्या है, सीधा है वायर को पकड़ लो थंब के डायरेक्शन में और ये हमारा बता देगा, तो माइनस वाले में आ गया, बताओ वैल्यू क्या लिख दिया जाए, बी वन का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कैसा वायर है ये, सेमी इनफाइनाइट रेफरेंस डालोगे ये एक तरफ से 90 डिग्री दूसरी तरफ से 0 डिग्री, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन पर्टिकुलर डिस्टेंस आर और साइन 90 प्लस साइन 0 और किधर है ये माइनस और ये क्या है फर्स्ट का हो गया, सेकंड का लिखेंगे, सेकंड तो सेमी सर्कुलर आर्क है, बताओ इस सेमी सर्कुलर आर्क का क्या होगा, किधर माइनस ऑफ के क्या है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे में करंट है तो ये माइनस ऑफ के क्या है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल कितना पाई, क्योंकि आर वाला फॉर्मूला ये है पाई रेडियन में लिखा और ये है माइनस ऑफ के क्या, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस डायरेक्शन मींस माइनस ऑफ के क्या, जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है तुमसे अवे, क्रॉस डायरेक्शन मींस माइनस के क्या, और ये थर्ड वाले का अगर कोई थर्ड वाला जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है फिर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के पैरेलल इधर से आ रहा है, ऐसे आया ऐसे हुआ फिर ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है तो इसका निकालना है, तो ये है थंब और ये बता देगा फील्ड, तो ये थंब है करंट डायरेक्शन, ये बताएगा हमारा फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, अगेन माइनस जे कैप में होगा, तो इसका भी माइनस जे कैप में हो जाएगा, इतना ही वैल्यू का हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक तरफ से साइन 90 डिग्री एक तरफ से साइन 0 डिग्री और रहेगा माइनस जे कैप में, बोलो क्या हो गया, आई 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 पर आर पर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर तो सब में है कॉमन ले लेंगे, ये क्या बच जाएगा माइनस ऑफ जे कैप और माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप और ये हो गया कितना आई बाय आर माइनस ऑफ पाई के कैप, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगर वैल्यू निकालना होगा बीपी का तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 4 प्लस पाई स्क्वायर, नहीं होगा वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गया, जब आई जे के में लिख दिया तो और आगे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट हो तुम्हारा तो ऐसा निकाल सकते, कितने लोग समझे रोनित, बीच वाले का नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थ्री डायमेंशनल हो जाओ सोचने के लिए, कैसे बताया थ्री डायमेंशनल कैसे समझाया जाता, रवि कुमार आएगा तो समझाएगा, अरे इसको पकड़ ले नीचे नीचे से पकड़ ले, क्या आज बोल कर रहा सबको दिखाई दे दोनों पीछे ऐसे पकड़ लेगा ना, मैं एक हाथ से पकड़ता हूँ खुद दो हाथ से, देखो भाई रोनी थोड़ा थ्री डायमेंशनल खोपड़ी चलाना पड़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिख रहा है, अब इस सिचुएशन को जो ये डायग्राम कह रहा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो ये डायग्राम कह रहा है कि जेड एक्सिस के पैरेलल वायर आया, ऐसे वायर आया और सेमी सर्कुलेशन किया और वापस ऐसे जा रहा है, ऐसे आया तो इसका फील्ड दिखा रहा हूँ, इसका जो ये है फील्ड तो इसका थंब देखा और ऐसे इसका फील्ड माइनस जे कैप में, या तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये है डीएल, इस वायर पे कोई भी डीएल ले लिया कोई आर ले लिया, इसका हमें चाहिए है एलिमेंट, तो डीएल और आर डीएल क्रॉस आर करेंगे तो बंद होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जाएगा डायरेक्ट माइनस ऑफ जे कैप, सिंपल है ये शॉर्टकट के लिए, जिधर जा रहा हो तो वायर को पकड़ लो बस हाथ से और देखो जहां पे तुम्हें निकालना वहां पे कर्व फिंगर ले जाओ,
अपने आप पता लग गया है इसका एक्शन। चौथा फिंगर ले गए यहाँ, इसका एक्शन माइनस ले गया। इसके बाद ये ऐसे बना, सेमी सर्कुलेशन हुआ। तो सेमी सर्कुलेशन के लिए याद रखा है कि भाई ऐसे चाहे तो इसके निकालने हैं, तो कर्व फिंगर करंट का डायरेक्शन तो सेंटर पर का फील्ड ही है। कर्व फिंगर के अलावा तो है करंट डायरेक्शन, करंट तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ से ऐसे आया और ऐसे जा रहा है फिर वापस आएगा। तो ऐसे आया है कि ऐसे जा रहा है, तो इसके ये है करंट डायरेक्शन, तो ये है फील्ड एट द सेंटर। या तो फिर डी एल क्रॉस आर करोगे तो ये है डी एल, मान लो यहाँ से चला ऐसे, कोई भी डी एल ले लिया, ये आर हो गया। अब डी एल क्रॉस आर करेंगे, इधर से आया था ये ऐसे जा रहा है, इसलिए ये डी एल है। डी एल क्रॉस आर करेंगे तो इसको बंद होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये किधर हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। ऐसे जा रहा है ये, तो ये है माइनस ऑफ के कैप मिल रहा है इस डायरेक्शन में। डी एल क्रॉस आर करोगे तो टॉप का एलिमेंट जो देखोगे, टॉप का एलिमेंट राइटवर्ड में है और ये है आर, तो डी एल क्रॉस आर करेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ आ जाओगे तो डी एल ऐसे बन जाएगा और ये आर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डी एल क्रॉस आर करेंगे इसी डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी चले जाओगे तब भी डी एल ऐसे है और आर ऐसे, डी एल इधर है और इधर है, तो डी एल क्रॉस आर करोगे अगेन इसको इसी डायरेक्शन में। सिंपल था ये है, मिल रहा है। फिर इसके बाद ये वायर अब इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है तो इसका क्या करेंगे, थंब पकड़ लेंगे और यहाँ पे भी चाहिए यहाँ पे फील्ड देख लेंगे, यहाँ पे रख दिया थंब, तो ये बता रहा है किधर जा रहा है फील्ड। यहाँ फील्ड जा रहा है निगेटिव, z एक्सिस इज निगेटिव, y एक्सिस की तरफ, दैट इज माइनस a का। वायर को पकड़ लो थंब करंट का डायरेक्शन, तो ये है कर्व फिंगर फील्ड का डायरेक्शन माइनस a का, इधर वाले का बीच में माइनस k का। समझ गया रोहित भाई, ये तो खोपड़ी ऐसे ही चलाने पड़ेंगे, बार बार राजीव कुमार नहीं आएगा समझाने, इसलिए ये तो खुद ही समझना है। तो बाद में अपने आप प्रैक्टिस जाएगा, इसको पकड़ लिया तो थ्री डायमेंशन में दिख रहा है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे तो ऐसे जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। दोनों का डायरेक्शन इधर सेम हो गया, मैच हो गया, लास्ट वाले दोनों का और बीच वाले का माइनस के कैप हो गया, ऐड कर दिया दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दिया, और मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट जे का कोएफिशिएंट और आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। बोलो भाई शिवम, कुछ तो परेशानी है, एग्जाम में लिखता कैसे नहीं है, लिखा भी तो करो, भूल जाता है, एक तरफ आता है एक तरफ से निकल जाता है, सोचोगे नहीं तो स्टे नहीं करेगा माइंड। चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पेज पे, चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चलो ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम करो। 4.2 करो, क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मैग्नीट्यूड ही खाली पूछ रहा है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब इनफाइनिटली लॉन्ग, दोनों साइड से समझ लेना, लॉन्ग का मतलब इनफाइनिट वायर, लॉन्ग का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन, इसका वेरी लार्ज है लेंथ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, साइन 90 प्लस साइन 90 यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साइन 90 प्लस साइन 90 ऐसा मिल जाएगा, दैट इज म्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी और 1 प्लस 1 यानी कि साइन 90 प्लस साइन 90 था 2 और 2 से ये कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। चलो एक और 4.4 दिखा देता हूँ, फोर नंबर पढ़ो, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड पावर लाइन अगर ऊपर से जा रहा है, करंट 90 एम्पीयर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, चलो थ्री डायमेंशनल सोचो, सोचो जरा हिंदी में बताना क्या दिया, क्वेश्चन समझ गए, बोलो भाई मौसम हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन जा रही है,
इधर ईस्ट टू वेस्ट, तो चलो ये ईस्ट है मान लो, इधर वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रही है। फिर करंट 90 एम्पीयर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी बताना है। चलो भाई जैसे हम लोग सोचते हैं डायरेक्शन वैसे सोचा जाए, तो ऐसे सोचते हो कि सामने नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही होता है, नॉर्थ है इधर साउथ है, राइट में ईस्ट और इधर वेस्ट है। तो पावर लाइन जो था ये किधर था, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो ईस्ट टू ये है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहा है, डायग्राम में दिखा रखा है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहा है, और तुम्हें दिखाना है सर्टेन 1.5 मीटर बिलो द वायर, तो वायर ऐसे जा रहा है इसके बिलो, बिलो मीन्स वर्टिकली बिलो, इसके नीचे देख रहे हैं, तो इसका फील्ड जो देखोगे तो ये है करंट कैरिंग वायर, वो वायर और इसके बिलो देख रहे हैं फील्ड, तो बताओ भाई करंट कैरिंग वायर ये डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बताओ, ये करंट कैरिंग वायर है और नीचे हमें फील्ड बताना है इस वायर के बिलो, तो बताओ किधर होगा, इधर किधर होगा, वो तो है तुम्हारे पास, दिया है भगवान ने, थंब लगाओ, ये है करंट, और कर्ण फिंगर भी भगवान ने दिया है, उसको नीचे लाओ, हम यहाँ चाहिए, इसके पीछे तो नहीं चाहिए, वायर के पीछे नहीं चाहिए जो यहाँ पे रख कर देखेंगे, इसके नीचे चाहिए, नीचे रख कर देखोगे तो किधर आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसका मतलब साउथ की तरफ है, और फील्ड निकालने के लिए जो ये लॉन्ग वायर है इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंस है, ये बना 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी देखोगे, ये मिल जाएगा, साउथ की तरफ तो आया कम से कम, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये नॉट अपॉन 4π i अपॉन जो भी डिस्टेंस है और साइन 90 प्लस साइन 90 और किधर होगा ये साउथ की तरफ, बस ये वैल्यू मिल जाएगा, साइन 90 इनटू 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2π r, बोलो क्या कह रहे हो सर, अगर हम साउथ को डिफाइन करें तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना, फिर साउथ किसको ले रहे हैं, क्यों एक को डिफाइन करो उसके हिसाब से बाकी सब हो जाएंगे, मतलब सर इसमें अगर हम साउथ डिफाइन करते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि हम डायरेक्शन किस प्लेन पे ले रहे हैं, इसमें डायग्राम है, आप थ्री डायमेंशनल सोचो ना, ओवरहेड पावर लाइन जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो कोई एक डायरेक्शन नॉर्थ लेते हो तो अपना कन्वेंशन यही है ना, नॉर्थ है तो ये साउथ है और ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये तो है डायरेक्शन, यही होता है, नॉर्थ इधर खड़े हो गए तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ऐसे जा रहा है वायर, ऐसे जा रहा है, इसके बिलो हमें देखते हैं तो ऐसे रखा था, ऐसे देखा इस डायरेक्शन में, बिलो में तो इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब साउथ की तरफ जा रहा है, अपने मर्जी से तो एक ही डायरेक्शन लोगे, मान लो इधर नॉर्थ लोगे तो इधर साउथ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये ईस्ट ये वेस्ट है तो ऐसे चलेगा पावर, ऐसे चलेगा तो फिर इसका फील्ड ऐसे जनरेट होगा तो भी साउथ जाएगा, साउथ ही चलने हैं। अब इस थ्री डायमेंशनल डायग्राम को टू डायमेंशनल में दिखाने का कोशिश तो यही है भाई, ये दिखा दिया कि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, बोलो मत बीच में, ईस्ट है इधर वेस्ट है और इसके नीचे दिखाने हैं, नीचे दिखाने हैं तो यहाँ से डॉट में निकल के आएगा, ऐसा समझो कि ये इस डायरेक्शन से फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस में फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे डॉट में, मतलब ऊपर में अगर देखोगे इस वायर के ऊपर तो ऊपर ऐसे जाता हुआ है क्रॉस में और नीचे से आता हुआ है डॉट में, तो इसलिए ये डायरेक्शन डॉट वाला है, वो क्या है इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ये तुम्हारी तरफ आ गया साउथ, साउथ दिखाएंगे देखो, एज पर राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स साउथ, मिल जाएगा हमें वैल्यू साउथ वाले, अगर आई जे के रहता तो उस हिसाब से काम कर लेते, उस तरह से नीचे क्वेश्चन है ना, दो दो कॉइल है दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक का ईस्ट होगा तो दूसरे का वेस्ट होगा, एक ईस्ट में प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा वेस्ट में प्रोड्यूस करेगा, कर लो क्या लिखा है, सेंटर ऑफ द रिंग से कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है,
जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना एक्स डिस्टेंस पे, डी डी निकाला था और डी कॉस थीटा किया था, याद है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अब निकालना है। तो ये समझ लो कि इस तरह से हमने वायर लिया, वाई जेड प्लेन में समझो वायर और एक्स एक्सिस पे इसका अपना एक्सिस है, ऐसा ही दिखेगा कुछ। अब इसमें मान लो करंट चल रहा हो ऐसे, इस तरह से करंट चल रहा है। अब इस पॉइंट पे निकालने हैं थ्री मार्क्स का ही आता है डेरिवेशन, जैसे ये वाला थ्री मार्क्स का है, इसमें हम लोग डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते थे क्योंकि एक कंपोनेंट ही कंट्रीब्यूट करता था। ये वाला डी क्यू याद है ना, डी क्यू यहाँ पे डी फील्ड प्रोड्यूस किया और यहाँ का डी क्यू यहाँ पे डी फील्ड प्रोड्यूस किया। कुछ लोगों का डायग्राम कैसा बनता है भाई, तो कुछ लोगों का डायग्राम बनेगा कि ये जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ जाके ये ऐसे हो जाएगा डी, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे डी हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा डी। ये कैसे हो जाता है मुझे समझ नहीं आया। ये जो हाँ ये है तो इसी के लाइन में होगा ना भाई रिपल्सिव फोर्स फेस चार्ज पे, तो ये यहाँ से आकर लाइन ही बेंड हो जाता है कुछ लोगों का। तो D और D जिस तरह से था D cos थीटा ऐड किया था इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नेट फील्ड, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग D के बदले में DV दिखाएंगे, पेन छोड़ देंगे और DV दिखाएंगे। यहाँ पे बताओ करंट कैरिंग जो एलिमेंट है IDL वो किस डायरेक्शन में, डॉट है या क्रॉस है? करंट तो ऐसे चल रहा है, इसको अगर दिखाएं तो करंट ऐसे चल रहा है, टॉप पे ऐसे जाना है, डॉटेड मतलब समझते हो दूर वाला, डार्क लाइन मींस पास वाला, डार्क लाइन में डाउनवर्ड मतलब ऐसे, डार्क लाइन मींस सामने, अगर ऐसे है जो ज्यादा दिखे वो डार्क दिखता है, जो कम दिखे उसको डॉटेड दिखाते हैं, ये डायरेक्शनल कन्वेंशन है, जो कम दिखे वो डॉटेड है। तो ये डार्क वाले में डाउनवर्ड जा रहा है, डार्क वाले में डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस तरह से, और दूर वाले में अपवर्ड जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। तो टॉप पे जो एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, डॉट डॉट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है करंट, ये है डीएल, बॉटम वाले में ये है डीएल, ऐसे चल रहा है और इस पे एक्सिस पे इस पॉइंट पे निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको कि ये डॉट है और ये वाला ये क्रॉस है आइडियल, क्योंकि यही यही दो एलिमेंट को हम लोग देखते हैं जो अगर सिमेट्रिकली कुछ कैंसिल होना होगा कंपोनेंट तो वो हो पाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट देखते हैं, तो एक टॉप पे एलिमेंट देखेंगे, एक बॉटम पे देखेंगे, इसका जो आइडियल है वो यहाँ पे फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा वो देखें। तो इसका जो आइडियल है बताओ फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, आइडियल ऐसे है, आर हमारा वेक्टर ये है, तो बताओ फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, इधर करेगा या इधर करेगा? थ्री डायमेंशनल खोपड़ी रहना चाहिए, टॉप वाला एलिमेंट फिर रवि कुमार को आना पड़ेगा लगता है। देखो ये एलिमेंट ये पकड़ लो इसको, पेज को ऐसे ही पकड़ो कि इस लाइन पे मैच करो, ये टॉप वाला एलिमेंट का ये डीएल है, देखो ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे करंट है, तो टॉप वाले पे ये है करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल और आर है ये, उस पॉइंट पे देख रहे हैं तो आर तो वो है वेक्टर, यहाँ डीएल एलिमेंट ये है और आर हमारा वो है और इसको कंटेन करता हुआ ये प्लेन है जो रवि ने पकड़ रखा है, ये प्लेन है कंटेनिंग डीएल एंड आर वेक्टर, डीएल और आर वेक्टर को कंटेन करता हुआ ये प्लेन है, ठीक है। तुम्हें सपोर्ट दे दे रहा हूं सिविल के, समझ गया डीएल और आर, इधर हो गया डीएल, ये है आर वेक्टर। अब डीएल क्रॉस आर करोगे क्या मिलेगा, डीएल क्रॉस आर करेंगे देखो इसके परपेंडिकुलर रखेंगे, डीएल और आर से बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, डीएल से आर तरफ घुमाओगे तो इसको बंद होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, या फिर थम रखेंगे तो डीएल से आर की तरफ जाएगा है डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब क्या इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन से,
ये प्लेन इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है तो स्केप परपेंडिकुलर, क्योंकि डीएल इधर है आर इधर है, तो डीएल को आर करेंगे तो ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब डीएल क्रॉस आर जो है उसका डायरेक्शन ये येलो वाला मिला, बोलो डीएल क्रॉस आर ये येलो वाला डायरेक्शन है जो कि इस प्लेन के डीएल और आर से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर, तो समझ में आया डीएल क्रॉस आर इस डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर वो दिखाया, जो हट जाए भाई वहां से जाओ, ये जो दिखाया वो उस डायरेक्शन में हमें दिखाने पड़ेंगे, जो लाइन रेड से दिखाया है वो अपवर्ड वाला दिखाया कि डाउनवर्ड वाला दिखाया, डीवी जो फील्ड प्रोड्यूस होगा इस एलिमेंट से, ये डीएल है ये आर था, डीएल क्रॉस आर किया, देख लो डीएल क्रॉस आर किया है तो इस डीएल और आर से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डीएल और आर से बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही तो ये प्लेन है जो ये लाइन से दिख रहा है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये है डीवी का डायरेक्शन, वैल्यू जो होगा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह से है। अब इसका देखें हम लोग, अगर इसका देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो अगेन इसके लिए डीएल हमारा किधर हो जाएगा, ये है मान लो डीएल क्रॉस में है, आईडीएल क्रॉस में है, और ये है आर, आईडीएल क्रॉस में है और ये वाला आर वेक्टर है, इससे बना हुआ प्लेन भी यही है, देख रहे हो इससे बना हुआ ये प्लेन, इससे दिखा रहा हूं DL और R, ये वाला ऐसे नहीं दिखा रहे, ऐसे DL और R से बना हुआ प्लेन इंडिकेटेड बाय दिस प्लेन, क्योंकि R वेक्टर हमारा उस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, DL ऐसे है तो DL क्रॉस R करेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा बताओ, DL से R की तरफ घुमाओगे, DL हमारा ये वाला क्रॉस में DL क्रॉस R करेंगे इसको बंद हो गया इस डायरेक्शन में, ऐसे अगर थंब रखोगे तो ये तो R है ये DL है, इधर तो होगा नहीं, तो DL क्रॉस R चाहिए तो इसके अपोजिट में, दैट इज इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे दिखाने पड़ेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है, ग्रीन वाले का ग्रीन से दिखा रहा हूं डी, और ये मान लो रेड वाला, रेड वाले का रेड से दिखा दिया डीबी। अब ध्यान देना एंगल के चक्कर में इसमें है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अब तक डीवीडी भी समझ में आया, ये इससे परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वर्टिकल लाइन, अगर दिखाएं ध्यान देना भाई, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये थीटा, उसी तरह से ये है 90 डिग्री इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये है एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये वाला क्या हुआ, क्योंकि इस पे एक्सिस पे तो ये परपेंडिकुलर डाल दो 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये इस पे ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्या मिल जाएगा थीटा, इसलिए DB इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे है, ये भी DB वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे है, इसलिए इस DB का दो कंपोनेंट DB cos थीटा अपवर्ड, इसका DB sin थीटा, DB cos थीटा डाउनवर्ड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और DB sin थीटा ऐड अप हो जाएगा, समझ में आया, इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे इधर का DB है और इधर का DB इधर है, इसलिए DB cos theta will be canceled, DB sin theta add up हो जाएंगे, दोनों का DB sin theta आएगा, इसलिए net magnetic field अगर हम लोगों को निकालना हो तो क्या करेंगे, DB value और sin theta इसमें integrate करेंगे, DB cos theta component will be canceled due to diametrically opposite element, ऐसे ऐसे बड़े सारे element आएंगे, इसके भी आएंगे, इसके भी आएंगे, ये diametrically opposite element आएंगे, हमें ये 200 अगर element है तो 200 element के sum करने हैं, 2000 है तो 2000 के सम करना है, तो इन सबका वेक्टर सम करने में ये पता है कि इसका और इसका साइन थीटा कंपोनेंट ऐड अप होंगे और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इसका और इसके भी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इसके भी कॉस थीटा, मीन सबके कॉस थीटा ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल ही हो जाने हैं, तो किसी का डी कॉस थीटा डीबी कॉस थीटा कंट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन सबके डीबी साइन थीटा जिंदा रहेंगे, उसको कोई नहीं मार सकता, डीबी साइन थीटा सबके जिंदा रहेंगे, इट मीन्स वन एलिमेंट कंट्रीब्यूट इन द नेक्स्ट फील्ड DB sin theta only. एक एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? Only DB sin theta. और हर एलिमेंट का DB cos theta useless.
हर एलिमेंट का डिग्री कौन सीटा यूजलेस, और हर एलिमेंट के लिए डिग्री साइन थीटा यूजफुल हो गया। इसलिए हर एलिमेंट का, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन ये है कि हर एलिमेंट के लिए हमें कंट्रीब्यूट कराने हैं डिग्री साइन थीटा, डिग्री साइन थीटा। डिग्री का वैल्यू बोलो आईडीएल, चलो भाई आईडीएल साइन थीटा लिखने होते तो आईडीएल साइन, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ डीएल और आर में एंगल बोलो, डीएल और आर वेक्टर में एंगल बोलो 90 डिग्री, डीएल और आर में एंगल 90 डिग्री। क्यों? टॉप पे डीएल डॉट में था और ये था आर वेक्टर, आर वेक्टर इस प्लेन में है, बोर्ड वाले प्लेन में, डीएल इधर 90 डिग्री एंगल नहीं आपस में, और डीएल क्रॉस आर किया तो इसलिए खुला इसको ऐसे एक्शन में गया। यहाँ आओगे तो ये है डीएल, ये है यहाँ, ये डीएल है, ये आर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि आर तो इसी प्लेन में है, डीएल इसके परपेंडिकुलर है, तो डीएल और आर में एंगल 90 डिग्री, तो डीएल क्रॉस आर किया 90 डिग्री इस डायरेक्शन में मिला, ठीक है, तो 90 डिग्री लिखा जाए। इसलिए आईडीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखने होंगे, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू ये है यार, ये हो गया डीबी का वैल्यू, और इनटू साइन थीटा लिखने हैं क्योंकि ये तो डीबी है और ये साइन थीटा कंपोनेंट है उसका जो कंट्रीब्यूट होना है नेट में। कितने लोग समझे यहां तक? यही मेन है, ये समझ गए? तो अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं, देखो भाई कौन कौन कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे। साइन 90 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। चलो साइन 90 डिग्री 1 है, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा तो हर एलिमेंट के लिए उतना ही आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आर भी सबके लिए सेम आना है, साइन थीटा भी सबके लिए सेम आना है, बचेगा क्या डीएल, 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 सबको ऐड करना है, यही होना है, डीएल डीएल ऐड करना है। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये आर डिवाइडेड बाय ये, ऐसा हो जाएगा ये वाला टोटल हमारा रेडियस ऑफ द रिंग। तो बताओ ये क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का भी वैल्यू लिख दिया जाए, साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये आर है कैपिटल, ये तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये साइन थीटा है, और डीएल डीएल वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे, डीएल डीएल वैल्यू तो क्या मिलेगा 2 पाई इनटू कौन सा आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर सरकमफेरेंस, इस तरह से मिलेगा। अब ये वैल्यू देखो कितना आया, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आर क्यूब यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 3, इसलिए ये मिल गया तुम्हें वैल्यू म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 बाई 2। ये एक्सप्रेशन आता है बी नेट और किस डायरेक्शन में है अलोंग द एक्सिस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समझ गए? सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान देने पड़ेंगे कि ऊपर में डॉट दिखाएं नीचे में क्रॉस दिखाएं, अगर ऊपर में क्रॉस हो जाए ऐसे हो जाए, ऊपर में क्रॉस हो जाए तो ये वाला इधर हो जाए और ये वाला डीबी इधर हो जाए, तो फिर उसको कैलकुलेट करने में परेशानी में फंसोगे, हो तो जाएगा लेकिन एंगल में और ज्यादा चक्कर पड़ेगा, इसलिए ऐसा रखो कि इसका ऊपर डॉट रहे नीचे में क्रॉस रहे, तो इससे क्या होगा ये इधर ना हो करके, जब इसका इधर आता है इसका इधर आता है तो सब जो है वो इधर ही के हाफ में सब रहते सारे रहते, तो कम से कम उधर जाके स्पेस मिल रहा है तो आराम से लिख पा रहे, इसका डीबी उधर हुआ इसका डीबी इधर हुआ, इस तरह से तुम्हारे पास दो कलर है तो दो कलर को दिखा दो, आगे कंफ्यूजन ना रहे।